है एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आई होप आप सब अच्छे होंगे तो के वी एस में मैंने हिंदी तो कम्प्लीट करा दी थी समरी रिमझिम की लेकिन मैरी uh, गोड जो इंग्लिश की बुक है एन की उसकी मैंने समरी नहीं करवाई थी जिसको लेके कमेंट आए हुए थे कि आप इंग्लिश की समरी करवाइएगा तो उसी लिए मेरी पहली क्लास है इंग्लिश में जो कि क्लास थर्ड की मैं समरी कंप्लीट कराऊंगी टोटल दस यूनिट हैं इसमें और दस यूनिट में मतलब बीस चैप्टर हैं एक यूनिट में दो चैप्टर हैं तो उनको मैं रफली मैं आपको स्टोरी टाइप में समझाऊँगी ताकि आपको बोरिंग ना लगे और मेन है क्वेश्चन आंसर तो उसको याद रखिएगा कि क्वेश्चन आंसर में है आंसर क्या है क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन उठ के आ जाएगा तो आपको ऑप्शन से आप क्लियर कर सकते हो और पिक्चर्स आपको हेल्प करेंगी उस

वाई इज़ द चाइल्ड इन द पोएम है बीच यानी कि जो बच्चा है वो पोएम में इतना खुश क्यों है क्योंकि इसलिए खुश है क्योंकि मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग हो चुकी है जिसकी वजह से वो अब बात कर सकती है किससे सन से और जितने भी नाम बताए मैंने उनसे ठीक है टू होम डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग चाइल्ड किससे गुड मॉर्निंग कह रहा है तो चाइल्ड सन से स्काई uh, से विंड से बर्ड से ट्री से ग्रास से बीच से गुड मॉर्निंग कह रहा है वॉट डज द चाइल्ड वॉन्ट टू डू चाइल्ड क्या कहना चा, करना चाहता है तो चाइल्ड प्ले खेलना चाहता है देखिए लास्ट लाइन है आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू मैं इन मतलब वो इन सब के साथ खेलना चाहती है या चाहता है ठीक है तो बस इतना सा ये तीन क्वेश्चन थे इस चैप्टर में अब देखिए सेम यूनिट में यहाँ पे एक स्टोरी है द मैजिक गार्डन तो मैजिक गार्डन की बात की जा रही है जो कि स्कूल प्ले ग्राउंड में होता है इट वॉज़ वेरी प्रिटी बहुत सुंदर होता है कौन कौन से रो, कौन कौन से फ़्लावर्स हैं इसमें वो देखिएगा सनफ्लावर है रोज़ेज़ हैं और मैरीगोल्ड है पॉपीज़ है और है, पेंसीज़ है, हैं बस ये फ्लावर्स के नाम पाँच फ्लावर्स के नाम याद रखिएगा और यहाँ पे होता है क्या है कि सनसाइन उन पर गिरती है बहुत सारे मतलब फूल हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे अच्छा लगता है जो बच्चे जब यहाँ आते हैं वो वो इसलिए पसंद है एक क्वेश्चन भी है भी मैं बताऊँगी लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि क्योंकि हमको वाटर करते हैं और हमारी थर्स्टी रूट जो प्यासी रूट है उनकी प्यास बुझाते हैं इसीलिए हमको अच्छे लगते हैं ये किससे कह रहे होते हैं फ्लार्स कह रहे होते हैं जो वहाँ पर बर्ड होते हैं चिड़िया वगैरह होती है उनसे कह रहे होते हैं अब यहाँ पर चिड़िया भी फिर कहेगी कि एक मिनट जस्ट हाँ ये देखिए तो बर्ड भी यही कहते हैं कि हाँ मुझे भी बच्चे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं हमको ब्रेड देते हैं ठीक है हमारे लिए ब्रेड लाते हैं फिर सन कहता है कि ठीक है हम तुम्हारे लिए हेल्प करेंगे मतलब वो जो फ्लावर्स होते हैं वो कहते हैं कि अब हम लोग बढ़िया से ड्रेसअप हो जाते हैं और प्रेटी लगते हैं ताकि बच्चे जल्दी जल्दी यहाँ आएँ तो सन कहता है मैं भी तुम्हारी यहाँ मदद करूँगा ताकि तुम लोग अच्छे से ग्रो कर सको तो ये सब हो रहा होता है उसी बीच में बच्चे आ जाते हैं फिर बच्चे कहते हैं अरे इतना बड़ा इतना बड़ा सन तो सन अपनी मुंडी को मतलब सिर को ऊपर कर लेता है तो ऐसे करके बस इतना ही है फिर आखिरी में यहाँ पे आपको फेयरीज देखने को मिलेंगे जो फेयरीज आती हैं वो सॉन्ग वगैरह कर रही होती जिसको सिर्फ बच्चे सुन सकते हैं एंजॉय करते हैं रात में ये मैजिक गार्डन शांत हो जाता है और सब लोग सो जाते हैं अगले दिन फिर बच्चे आने पर यह फिर से ऐसा ही हो जाएगा तो बस इतनी सी स्टोरी है और क्वेश्चन देखते हैं वाई डिड द फ्लार्स लव द लिटिल चिल्ड्रेन फ्लैर फ्लार्स क्यों पसंद करते हैं बच्चों को क्योंकि वो उनकी थर्स्टी जो रूट है उसकी प्यास बुझाते हैं उनको वाटरिंग करते हैं वाई डिड द बर्ड लव द चिल्ड्रेन बर्ड क्यों पसंद करते हैं क्योंकि बर्ड के लिए वो ब्रेड लेकर के आते हैं फाइव फ्लावर्स के नाम बताने थे तो उसमें मैंने बताया था सन गोल्ड मैरी गोल्ड और पेंसीज़ और पॉपीज ऐसे जो पाँच फ्लावर हैं रोजेस तो पाँच फ्लावर हो गए अब नेक्स्ट है वॉट साउंड कुड द चिल्ड्रेन हियर इन द गार्डन तो चिल्ड्रेन कौन सी साउंड सुन पा रहे थे तो चिल्ड्रेन यहाँ पर क्या सुन रहे हैं फेरीज़ की जो सॉन्ग्स हैं उनको सुन रहे हैं फेयरीज यहाँ सॉन्ग्स गा रही थी उसको सुन रहे हैं ठीक है बस इतना ही है चैप्टर सो नेक्स्ट पोयम है बर्ड स्टॉक पोयम का जो थीम है वो ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि थीम से ही आ जाएगा कि मान लीजिए चार लाइन आई लाइन्स आ गई और कहा गया कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं या कौन सा इसका शीर्षक है तो उस टाइप में तो अब देखते हैं इसमें क्या है इसमें ये होता है कि एक चिड़िया होती है उसका नाम होता है रॉबिन एक का होता है जे तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि ये कितने अलग होते हैं लड़क मतलब सॉरी लोगों की बात कर रहे होते हैं थिंक अबाउट पीपल लोगों के बारे में सोचो कि ना वो ग्रो कर सकते हैं मतलब ना उनके फेदर्स होते हैं उनके पर ना वो बीटल्स खाते हैं मतलब जो कीड़े मकोड़े नहीं खाते हैं ना वो तार पे बैठ सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से उनके विंग्स ग्रो नहीं होते हैं तो इस तरीके से वो बात कर रहे होते हैं कितने फनी है ये लोग ये आखिरी में यही कहते हैं आपस में ये दोनों कितने फनी है ये लोग अब क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं पहला क्वेश्चन है नेम द टू बर्ड्स तो दो बर्ड्स का नाम क्या है एक का नाम है रॉबिन एक का नाम है जे तो अगर आ जाएगा रॉबिन एंड जे इज रिलेटेड टू तो उस पोयम का नाम होगा बर्ड्स टॉक ठीक है वट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कान डू तो वो जो बात कर रहे होते हैं उसमें तीन चीज़ें क्या हैं जो लोग नहीं कर सकते हैं कि वो उड़ नहीं सकते हैं उनके फैदर्स नहीं होते हैं बीटल नहीं खा सकते हैं और तीसरा होता है वो वायर पे बैठ नहीं सकते हैं ठीक है थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू द बर्ड थिंक ऑफ पीपल बर्ड क्या सोचते हैं तो बड़े है सोचते हैं कितने फ़नी हैं ये हमसे कितने डिफरेंट हैं इसीलिए ये फ़नी है, है। बताइए हम लोग फ़नी हैं लेकिन कुछ भी अभी क्या ही करें पढ़ना तो है ये तो ये हमारी पोयम हो गई इसी में एक स्टोरी भी है तो इस स्टोरी का नाम है नीना एंड द बेबी स्पैरो इस इसमें होता है क्या है एक नीना नाम की लड़की होती है जो कि उसको खुशी होती है कि आ, नीना के खुश कहाँ होती है भैया <laughs> एक मिनट रुकिए नीना आंट की शादी होती है ठीक है नीना आंट की शादी होती, होती है जिसकी वजह से ओ यहाँ पे जो नीना होती है एक नीना नाम की लड़की होती है जिसकी आंट की शादी होती है जिसके लिए सब लोग दिल्ली जा रहे होते हैं ठीक है थीके? अब दिल्ली जब जाते होते हैं तो सब खुश होते हैं नीना को छोड़ करके तो नीना इसलिए खुश नहीं होती है क्यों खुश नहीं होती पहले देखते हैं उससे पहले जानते हैं कि उसके लिए मार्केट लेके जाती है उनकी मम्मी कहती है ये ड्रेस ले लो वो ड्रेस ले लो सब मना कर देती है अब ये ड्रेसेस के नाम जानना ज़रूरी नहीं है स्टोरी जानना ज़्यादा ज़रूरी है तो इसमें फिर घर आती है इनकी मम्मी देखिए पूछ रही हैं कि क्या हो गया क्यों तुम्हें तुम इतना रो रही हो उदास क्यों हो तो बताती है कि मेरे रूम में बुक शेल्फ पे अभी अभी दो छोटे छोटे स्पैरो हैं जिनके अभी पंख भी नहीं हो गए हैं और पंख नहीं हो गए हैं जिसकी वजह से उसकी मदर जो फीड कराती है वही वो करते हैं अगर हम लोग दिल्ली चले जाएंगे तो उस टाइम पे रूम लॉक रहेगा तो उसको खाना उनको खाना कौन खिलाएगा इसी वजह से वो रो रही होती जिसकी वजह से मम्मी इनकी क्या करती हैं कहती हैं अच्छा ठीक है तुम रो नहीं मैं इसका सोल्यूशन देती हूँ मैं तुम्हारे कमरे का सारा सामान दूसरे कमरे में रख दूँगी और तुम्हारे कमरे की विंडो खुली छोड़ दूँगी ठीक है और बाकी का पूरा घर लॉक कर दूँगी जिसकी वजह से स्पैरो उस विंडो से आएगी और अपने बच्चों को फिट करा देगी जिसकी वजह से अब नीना फाइनली खुश हो जाती है और ऐसा ही होता है सब कुछ रूम साफ़ करके मतलब रूम का सारा सामान हटा करके बाहर कर दिया जाता है और सब लोग चले जाते हैं जब वापस आते हैं तो नीना देखती है कि वो दोनों लिटिल स्पैरो उसके कमरे में उड़ने लगे हैं ठीक है बस इतनी सी स्टोरी है क्वेश्चन आंसर देखते हैं वाई वॉज द थ्री वाई वॉज देयर ग्रेट जॉइन द नीनाज हाउस नीनाज के हाउस में कौन सी कौन सी खुशी थी क्योंकि नीना की आंट की शादी थी इसी बात की खुशी थी वाई वॉज नीना वरी नीरा क्यों परेशान थी नीना इसलिए परेशान थी क्योंकि उसके कमरे में बुक सेल्फ पे स्पैरो के छोटे बच्चे थे जो कि उड़ नहीं सकते थे उनकी मदर फीट कराती थी, थी और अगर ऐसी कोई लाइन दिखेगी वहाँ पे ऑप्शन में आपको लिखना तो है नहीं बस स्टोरी तो मैंने बताई दी कि अगर बुक आ, कमरा लॉक रहा तो फिर वो फीट कैसे कराएंगे वॉट डिड मदर सजेस्ट मदर ने क्या सजेस्ट किया कि हम कमरे का सारा सामान बाहर रख देंगे फिर विंडो खोल देंगे वॉट डिड द नीना फाइंड वन सी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग नीना को क्या मिलता है वा, वापस आती है तो वापस आती है तो देखती है कि कमरे में स्पैरो उड़ रहे हैं अब यहाँ से हमारी थर्ड यूनियन स्टार्ट होती है लिटिल बाई लिटिल अब इसकी एक रफली स्टोरी मैं बता देती हूँ ये एकॉर्न है एकॉर्न का मतलब आई थिंक बलूट का फल होता है लेकिन ये बीज है एक तरीके का सीड है ठीक है अब ये इस बारे में अपनी सीड की ही पूरी पोएम है इसमें कह रहा है कि धीरे धीरे हमारे रूट निकल रहे हैं धीरे धीरे मतलब ये बढ़ रही हैं जड़ें बढ़ रही हैं फिर पत्तियाँ आ रही हैं फिर फाइनली वो पेड़ बन जाता है ठीक है यही पूरी पोयम है तो इस पोयम का बस नाम याद रखना है लिटिल बाई लिटिल ठीक है और इसमें आखिरी में पेड़ कौन सा बनता है तो ये पेड़ बनता है ओक का अब ओक से आपको कुछ याद आया ईवीएस में एक ओक है वो बताएंगे आप कि कमेंट करके बताएंगे वो ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है ठीक तो है तो अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि नेम द ट्री दैट द एन ग्रोज इन टू यानी कि उस पेड़ का नाम बताइए जिसमें अकान बन गया है वो ट्री बन गया है तो ओक ठीक है ओक ट्री है वॉट थिंग्स डज द सीड नीड टू ग्रो सीड को क्या क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए तो सबको पता है सन चाहिए मॉइस्चर चाहिए वाटर और मतलब मिनरल्स वगैरह चाहिए तो इस तरीके से बस इतना ही है सॉइल चाहिए तो ये चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म होता है पोयम लेकिन इसके बाद स्टोरी है सो नेक्स्ट चैप्टर इज़ द इनॉर्मस टर्निप तो इन इनॉर्मस इन टर्निप में स्टोरी ये होती है कि एक बूढ़ा सा वो आदमी होता है जो कि एक टर्निप का सीड बोता है फिर उसको जब टर्निप हो जाता है तो निकालने की कोशिश करता है देखिए पुल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है फिर इसकी मदद करने बूढ़ी महिला आती है ये भी हेल्प करती है नहीं हो पाता है फिर इसकी मदद करने एक लड़का आता है वो भी हेल्प करता है नहीं हो पाता है फिर फाइनली एक लड़की आती है तो चारों मिल कर के करते हैं तो हो जाता है तो आप क्या कहेंगे कि लड़की की वजह से हुआ ऑब्वियसली नहीं चारों लोगों की वजह से हुआ ठीक है तो चारों लोग फिर आराम से निकाल लेते हैं बड़ा से इतना बड़ा टर्निप कहाँ होता है जी लेकिन फिर भी स्टोरी है निकाल लिया और फिर बाद में ये लोग साथ में बैठ के खाते हैं अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं वॉट डिड द ओल्ड मैन प्लांट क्या प्लांट किया था तो टर्निप का सीड सीड प्लांट किया था वाई डि वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल द टर्निप यानी कि उसके लिए डिफ़िकल्ट क्यों था उसको निकालना पुल करना ओल्ड मैन के लिए क्योंकि द टर्निप वॉज वेरी बिग टर्निप बहुत बड़ा था हु हेल्प हिम टू पुल अप द किसने हेल्प किया उनको पुल करने के लिए तो ओल्ड मैन तो था ही ओल्ड वुमेन हो गई बॉय हो गया गर्ल हो गई हु एट द ऑल फोर ऑफ देम एट द चारों के चारों ने मिल के खाया सो द नेक्स्ट पोयम इज सी सॉन्ग तो इस, इसमें होता क्या एक लड़का होता है जो कि उसको शेल मिल जाता है जो शेल नहीं होता संख जिसको कहते हैं वो मिल जाता है कर्ली वन और कहाँ मिला होता है सैंड में मिला होता है जिसको वो घर ले आता है और घर लाता है तो उनकी मम्मी उसके कान के पास लाती है जिसमें से उसको धीरे धीरे स्वीट एंड सॉफ्ट सी आवाज़ सुनाई दे रही होती है बस इतनी सी पोयम है पोय का नाम याद रखिएगा अगेन सी सॉन्ग पोएम का नाम है क्वेश्चन uh, है वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी सेल सी सेल कहाँ मिला होता है तो ऑन द सैंड रेत पे मिला होता है वर्ड डिड द चाइल्ड डू विद द सेल चाइल्ड क्या करता है सेल के साथ तो चाइल्ड अपने साथ उसको ला पकड़ता है और घर ले आता है वर्ड डिड द चाइल्ड हेयर चाइल्ड उसमें से क्या सुनता है स्वीट एंड सॉफ्ट सॉन्ग सुनता है उसका आवाज़ सुनती है सुनाई पड़ती है तो ये स्टोरी है एक लिटिल फिश की एक लिटिल फिश स्टोरी इसमें होता है क्या है कि ये बहुत बहुत ही छोटी होती है लेकिन इसके पास जो इसके जो खासियत होती है इसकी इसे वैल्यू नहीं होती जैसे हमारे साथ भी होता है हमारे पास कुछ स्किल्स होती हैं लेकिन हम उनकी वैल्यू नहीं करते बाद में हमें पता चलता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है होता है हमारे लिए तो यहाँ पर भी यही होता है फिर एक दिन क्या होता है अचानक से ये लोग जाल में फंस जाते हैं ये अपने छोटे साइज़ की वजह से निकल आती है बस यही इतनी सी स्टोरी है और आखिरी में सब लोग विश करते हैं कि काश मेरी भी छोटा साइज़ होता तो क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी फिसिज आर देयर इन द सी कितनी फीसिस होती है देयर आर मिलियन ये स्टार्टिंग में ही लाइन है कि देयर आर ग्रेट मैनी अ ग्रेट मैनी मिलियन फिसिस ठीक है तो कितनी फीस होती हैं ग्रेट मैनी हो गया नेक्स्ट है हाउ वॉज द लिटिल फिश वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी खूब मतलब वो दुखी क्यों होती है क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है वॉट हैपन टू द फिश वन डे एक दिन क्या होता है वो नेट में फंस जाते हैं वाई वर द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश यानी कि जो फिश होती है वो लिटिल होने के लिए थैंकफुल क्यों होती है क्योंकि अपने छोटे साइज़ की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी बचा ली होती है बस इतना सा ही होता है ये चैप्टर तो फिफ्थ यूनिट का में जो पोएम है द बलून मैन अगेन शीर्षक इम्पोर्टेंट है इसका जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है बलून मैन होता है इसमें एक आदमी होता है जो कि एक मार्केट स्क्वायर में खड़ा होता है मार्केट प्लेस में जो चौराहा होता है वहाँ पर खड़ा होता है तो इसके पास कौन कौन से बलून होते हैं तो देखिएगा रेड पर्पल ब्लू ग्रीन रेड पर्पल ब्लू ग्रीन टाइप के बलून होते हैं सनी डे होता है और ये लोग यहाँ पे यहाँ पे एक लड़का एक लड़की दिख रही है आपको और इसका ये मन होता है कि ये इस सारे बलून को फ्री कर दे तो ये बस ये बस इतना चाहती है कि सारे बलून को फ्री कर दे इतना है पे क्वेश्चन देख लेते हैं वेयर द बलून मैन स्टैंड ये मार्केट स्क्वायर में खड़ा होता है वॉट हैपन टू द बलून वेन देयर इज अ विंड अब ये लाइन समझिएगा जब विंड होती है तो बलून क्या करता है तो बलून दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग वो त, वो मतलब वो टग करते हैं दे टग आउट ऐसे करके मिनट बस तो टक का सेंस यहाँ पे है खिंचाव को लेकर के आपस में मतलब ये थोड़ा सा हवा वगैरह चलती है तो क्या होता है वो थोड़ा सा फैलने लगते हैं ना इधर उधर भागने लगते हैं तो वो सेंस है एक्चुअली मेरे माइंड में कुछ और आ रहा था तो मैं सोची मैं गलत ना बोल दूँ इसीलिए मुझे लगा चेक करना चाहिए तो नेक्स्ट है वॉट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू बच्चे को क्या लग रहा है कि बलून मैन को क्या करना चाहिए टू तो सेट दैम फ्री ताकि वो सारे बलून को वो आसमान में खुला छोड़ दें जो नेक्स्ट स्टोरी है द येलो बटरफ्लाई इसमें क्या होता है कि एक सोनू नाम का लड़का होता है उसको एक बटरफ्लाई दिखती है गार्डन में तो उसको कैच करने की कोशिश करता है तो पहले वो रेड फ्लावर पे बैठती है फिर वो गार्डन जो गार्डन होता है पौनी के पास वहाँ चली जाती है इस टाइप के ये तीन फ्लावर्स में बैठती है एक पीच ट्री पर बैठती है ठीक है एक लोटस फ्लावर पर बैठती है ऐसे करके वो आ, मतलब उसके उसके पीछे कैच करने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता फाइनली वो देखता है कि वो एक स्पाइडर के जाल में फंस चुकी है अब ये स्पाइडर उसको खाने ही वाला होता है कि सोनू उसको छुड़ा लेता है और वो दुखी भी होती है ओब्वियसली कोई ख़तरे में है तो दुखी तो होगा हो ही होगा फिर सोनू उसको पकड़ लेता है हाथ में जैसे हाथ में पकड़ता है तभी भी देखता है कि वो बहुत दुखी है तो फाइनली वो उसे फ्री कर देता है जिसकी वजह से वो उड़ जाती है और खुश हो जाती है बस इतनी सी स्टोरी है यहाँ पर और क्वेश्चन आंसर मेन इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा वेयर डिड द सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई तो कहाँ देखा था गार्डन ने गार्डन में देखा था नेम थ्री प्लेसेज वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड तीन प्लेसेस बताइए जहाँ पे वो रुकी थी तो पहला हो गया आपका रोज़ वाला Uh, जो फ्लावर था दूसरा लोटस फ्लावर हो गया तीसरा पीच ट्री हो गया थर्ड क्वेश्चन इज वाई डिट द बटरफ्लाई सोनू ने क्यों पकड़ा था क्योंकि उसे बहुत अच्छी लग रही थी बहुत सुंदर लग रही थी इसीलिए uh, उसने उसे पकड़ने की कोशिश की थी पीछा किया था वाई डिट सोनू लेट द बटरफ्लाई गो सोनू ने क्यों जाने दिया क्योंकि वो उसके हाथों में दुखी थी इसीलिए सोनू ने उसे जाने दिया सो द नेक्स्ट यूनिट इज सिक्स यूनिट जिसमें कहा जा रहा है ट्रेन की पोया है ठीक है अब देखिए आपको क्या दिख रहा है ट्रेन है ओवर द माउंटेन ओवर द प्लेन ओवर द रिवर्स हेयर कम द ट्रेन यानी कि माउंटेन भी है प्लेन भी माउंटेन्स पे भी जा रही है प्लेन पे भी जा रही है रिवर्स से भी होके जा रही है तो ये हमारी ट्रेन है अब ट्रेन क्या कैरी करती है पैसेंजर कैरी करती है ओहो मुझे जब वीडियो बनानी होती है ना तो सारी दिक्कतें आती है आई होप आप सब समझेंगे लेकिन ठीक है क्या ही कर सकते हैं पैसेंजर्स मेल एंड द प्रीसियस लोड्स एंड द विदाउट फेल बिना किसी फेल हुए वो ये सब लेकर के जाती है अब उसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं मेन चैप्टर का नाम ट्रेन फिर क्वेश्चन आंसर वेयर डू द ट्रेन रन ट्रेन कहाँ जाती है ओवर द माउंटेन्स ओवर द प्लेन्स एंड ओवर द ओवर द क्या था ओवर द रिवर ठीक तीन जगह से जाती है माउंटेन प्लेन और रिवर इसका आंसर हो जाएगा वे आर द प्रीसियस वॉट आर द प्रीसियस लोड्स दैट दे कैरी वो क्या क्या कैरी करता है ट्रेन क्या क्या कैरी करती है पैसेंजर्स को कैरी करती है और डिफरेंट मटेरियल्स जो होते हैं जैसे कि पेपर और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग मेल ठीक है प्रीसीस लोड्स ये सारी कैरी करती है वो वेन डू द ट्रेन रन ट्रेन कब चलती है तो ट्रेन कब चलती है यहाँ मैं बताना भूल गई डस्क एंड डॉन दिन और दे, दिन में भी रात में भी और डस्क एंड डॉन डस्क और डॉन का मतलब होता है डस्क का मतलब होता है सनसेट का टाइम और डॉन का मतलब होता है सनराइज़ का टाइम सुबह सुबह होती है ना तो उसको डॉन बोलते हैं और जब एकदम डूबने वाला सूरज होता है तो उसको डस्क बोलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वॉट इज डस्क एंड डॉन ओह नेक्स्ट क्वेश्चन वही था डस का मतलब होता है डूबता हुआ सूरज उस समय का जो टाइम होता है और डॉन का मतलब उगता हुआ सूरज सुबह का टाइम एकदम अब ये स्टोरी बड़ी अच्छी सी है स्टोरी ऑफ द रोड इसमें होता क्या है एक सुबह सुबह मॉर्निंग होती है इसमें रोड्स हो रही होती है ये देखिए रोड सोते हुए दिखाया अरे रोड कैसे सोती है जी लेकिन दिखाया गया है ठीक है इमेजनरी ये एक सीन है जिसमें एवरीथिंग इज क्वाइट सब कुछ शांत है अब बर्ड क्या कर रही है बर्ड आर कॉलिंग सॉफ्टली चिरप चिरप चिरप, चिरप. <laughs> तो ये चिरपिंग कर रही है स्पैरोज़ हैं वो चिरपिंग कर रही हैं और जो क्रोज हैं वो काँव काँव काँ कर रहे हैं और कहते क्या हैं वो कहते हैं वेकअप वेकअप यानी कि जगो जगो फिर इतने में आपको क्या दिख रहा है एक न्यूज़ पेपर वेंटर दिख रहा है यानी कि न्यूज़पेपर बॉय दिख रहा है जो कि न्यूज़पेपर बांट रहा है और वो भी ये चीज़ ट्रिंग 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 और उसका भी सेंस यही है कि अब वेकप जगाने की कोशिश कर रहा है फिर वहाँ पे बच्चे वेजिटेबल मैन आएगा बस कौन कौन है उनका ध्यान रखिएगा वेजिटेबल मैन क्योंकि क्वेश्चन जैसे ऐसे आ जाएगा कि वेजिटेबल मैन न्यूज़पेपर बॉय और स्पैरो एंड काउज रिलेटेड टू विस स्टोरी तो उस स्टोरी का नाम आपको पता होना चाहिए स्टोरी का नाम क्या था द स्टोरी ऑफ रोड ठीक है तो वो वेजिटेबल मैन आता है वो भी अपना सामान मतलब वो पोटैटो ककम्बर रेडिसस कैरेट ये सब कर रहा होता है और साथ में फिर फिर का जो क्रो होता है वो कहता है वेकअप वेकअप अब इतने में चटर 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 और ट्राम ट्राम की आवाज़ आती है ट्राम ट्राम एंड चैटर चैटर की आवाज़ आती है ये कौन है तो ये होते हैं स्कूल के बच्चे तो स्कूल के बच्चे चैटर चटर चैटर कर रहे होते हैं तब बात कर रहे होते हैं और जबकि जो ट्राम ट्राम्प है गो देयर स्कूल्स यानी कि वो शूज़ उनके शूज़ कह रहे होते हैं असूर से आवाज़ आ रही होती है अब यहाँ पे फाइनली फिर वो क्रो कहता है वेकअप काउँ 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 और वेकअप उसका सेंस होता है तो फाइनली रोड कहता है वेकअप कैंड यू सी यू फुल इज बर्ड आई एम वाइड अवेक यानी कि मैं तो जग चुका हूँ फिर क्यों वेकअप कर रहे हो तो बस इतनी सी स्टोरी है यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं व्हाट साउंड डू यू हियर ऑन द रोड रोड पे कौन से साउंड सुनाई पड़ते हैं आपको तो रोड पे काउँ काउँ और चिरप 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 ये सारे साउंड होते हैं और व्हाट इज़ द वेजिटेबल मैन सेलिंग वेजिटेबल मैन क्या बेच रहा होगा ऑब्वियसली सब्जियाँ ही बेचेगा ना वो वाई इज़ द रोड एनॉयड विद द क्रो रोड जो है वो गुस्सा क्यों हो जाता है क्रो पे कहता है कि मैं तो जग चुका हूँ ना ऑलरेडी आप क्यों फिर बार बार वेकअप वेकअप कर रहे हो बस ये हो गया यूनिट खत्म अब चार यूनिट और बाकी है सो द नेक्स्ट चैप्टर इज़ पपी एंड आई चैप्टर का नाम इंपॉर्टेंट है पपी एंड आई इसमें होता क्या है कि एक लड़का होता है जिसको पहले एक आदमी मिलता है आपको आदमी दिख रहा है उसके साथ में वो चल रहा होता है साथ में चल टहलता है और बात करता है तो मतलब वो, वो मैन से पूछता है वे आर यू गोइंग आप कहाँ जा रहे हो तो फिर मैन कहता है कि मैं विलेज में विलेज में जा रहा हूँ टू गेट सम ब्रेड कुछ ब्रेड लेने के लिए फिर वो कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे तो ये कहता है नहीं मैं नहीं चलूँगा फिर ये हॉर्स के साथ भी हॉर्स के साथ मिलता है हॉर्स के साथ टहल रहा होता है फिर हॉर्स से भी यही कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो हॉर्स कहता है कि मैं विलेज में जा रहा हूँ टू गेट सम हे हे का मतलब होता है घास घास लेने के लिए फिर वो भी कहता है कि तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे ये मना कर देता है फिर इसके इसको एक पप्पी मिलता है उसके साथ ये टहलता है और बात करता है तो पपी से कहता है कि वे आर यू गोइंग दिस फाइंड या तुम कहाँ जा रहे हो पप्पी से ये कहता है तो पपी कहता है अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले यानी कि मैं हिल्स में जा रहा हूँ ताकि मैं रोल करूँ और प्ले करूँ आई विल अब ये क्या करता है क्योंकि इसको भी खेलना होता है ये पप्पी के साथ चला जाता है बस इतनी सी स्टोरी है पप्पी एंड आई स्टोरी का नाम है हु इज़ आई इन द पोएम आई इज़ अ बॉय इन द पोम जो बॉय है वो आ, उसमें आई को बता रहा है वेयर वॉज द मैन गोइंग मैन कहाँ जा रहा था विलेज में जा रहा था टू गेट सम ब्रेड लेने के लिए वाई डिडन द चाइल्ड गो विद द हॉर्स चाइल्ड क्यों नहीं गया हॉर्स के साथ क्योंकि उसको उसको खेलना था और हॉर्स खेलने तो जा नहीं रहा था इसीलिए वाई डि द चिल्ड्रेन गो विद द पपी पपी के साथ क्यों गया क्योंकि पप्पी हिल्स पर जा रहा था खेलने के लिए इसीलिए वो उसके साथ चला गया अब नेक्स्ट स्टोरी है द लिटिल टाइगर बिग टाइगर लिटिल टाइगर और बिग टाइगर इसमें होता क्या है कि एक मदर टाइगर होती है उसके साथ एक कब होता है यानी कि टाइगर के बच्चे को बोलते हैं और वो लोग दे लिव नियर द रिवर रिवर के पास रहते हैं इना सैडी जंगल एक छायादार जंगल में रहते हैं तो वो लोग पहले वो जो मदर मदर टाइगर होती है वो हंट करती है डियर और बिग पिक को ठीक है याद रखिएगा डियर और पिक को हंट करती है कभी भी अपने बच्चे को दूर नहीं करती है और सारे एक दिन ये हंटिंग के टाइम में लंगूर सबको इशारा कर देता है मतलब चिल्ला चिल्ला के देखो टाइगर आ रहा है टाइगर आ रहा है बस इसमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है मेन क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देना है तो बस यहाँ पे आपको दिख रहा है देखिए आ रहे हैं और सब भाग रहे हैं यहाँ पे और ये रोज़ अपना शिकार नहीं करती थी और जिस भी दिन द मून वॉज ब्राइट द मून टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डॉन यानी जब मून चमकीला होता था तो उस टाइम पे वो आ, बैठ जाती थी और सुबह का इन, होने का इंतजार करती थी सीट विज द टिप ऑफ हर टेल एंड द टाइगर का पाउंड ऑन हर टेल अगेन अगेन मतलब वो बार मतलब वो टेल के पीछे पीछे आ, आया करता था कब एक दिन क्या होता है कब भी ये जो कब होता है ना वो भी सोचता है कि मैं भी अपनी मम्मी को दिखाता हूँ कि मैं शिकार कर सकता हूँ फ़्रॉक का शिकार कर रहा होता है ठीक है अब फ़्रॉक को पकड़ तो पाता है, नहीं है ऐसे करते करते दूर निकल आता है यहाँ पर इसको एक दूसरा टाइगर नील दिखता है जिससे वो डर रहा होता है फाइनली इसकी मदर जो टाइगर होती है वो आ जाती है और फिर थोड़े टाइम में बताया गया है यहाँ पर कि वो बड़ा हो जाता है वो भी जो स्मॉल कप था वो भी अब फुल ग्रोन टाइगर बन चुका है तो ये ऐसी सी स्टोरी है अब क्या ही कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं कि वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर लिव कहाँ रहते थे नियर द रिवर वॉट डिड द मदर टाइगर हंट वेन द स्काई वॉज ड्राई क्या वो हंट करती जब स्काई uh, डार्क होता दे रहा था तो उस दिन उसने डियर और पिक को किया था वॉट डिड द टाइगर कब कैच वन डे एक दिन उसने क्या पकड़ा तो उसने फ्रॉक को पकड़ने की कोशिश की थी अच्छा एक क्वेश्चन बच गया है वॉट हैपन टू द टाइगर कब वैन ही चेज़ द फ्रॉक जब उसने फ्रॉक को पकड़ा तो उस टाइम पे उसके साथ क्या हुआ था तो उसके साथ एक सा, बड़ा सा टाइगर आ गया था उसके सामने ठीक है अब नेक्स्ट पोयम है व्हाट्स इन द मेल बॉक्स पोयम का नाम व्हाट्स इन द मेल बॉक्स तो इसमें होता क्या मोस्ट ऑलवेज द पोस्टमैन कम्स विद द लेटर्स टू और थ्री हमेशा दो या तीन लेटर के साथ वो आता है और या तो मम्मी के लिए या तो पापा के लिए वो लेटर लेकर के आता है आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर अब यहाँ वो जो बच्चा है वही वो पोएम लिख रहा है ना वो कह रहा है कि अब मैं कुछ लेटर लिखूंगा क्योंकि उसको कोई भी लेटर मिला नहीं था तो अब वो खुद लिख रहा है अपने फ्रेंड को बस इतनी सी पोयम है क्वेश्चन आंसर देखते हैं हु डज द पोएम मैन ब्रिंग्स लेटर फॉर किसके लिए लेटर लाए थे या तो मॉम या फिर डैड के लिए डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर नो चाइल्ड को कभी भी लेटर नहीं मिला था वॉट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू चाइल्ड ने क्या डिसाइड किया था चाइल्ड ने डिसाइड किया था कि वो लेटर लिखेगा अपने फ्रेंड्स को अब ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है पता है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने माय सिली सिस्टर तो सिली सिस्टर इसलिए कह रहा है कि छोटे सबके घर में यही होता है जब छोटा बच्चा होता तो है तो हम लोग कहते हैं बेवकूफ़ है क्या देखो क्या खा रहा है तो वही चीज़ है यहाँ पे वो छोटी सी लड़की है अपनी बहन को कहता है कि देखो इसे बिल्कुल भी मम्मी इसको बिल्कुल भी नहीं पता कि लाइट और जो स्ट्रीट लाइट है वो ब्राइट स्टार में क्या डिफरेंस है ये पेबल्स यानी कि जो पत्थर पत्थर होते हैं उनको खाना समझ लेती है खा लेती है और ये प्रॉब्लम तो सबके साथ होती है अगर घर में कोई बच्चा है तो आपको अपनी बुक्स बचा के रखनी होती है वरना ये फाड़ डालते हैं तो वो टीयर की बुक को फाड़ने का फाड़ देती है और फाइनली यहाँ पे वो कहता है कि जब मैं डांटता हूँ तो वो हंसती है ठीक है भाई है ना तो ये जब डांटता हूँ तो ये हंसती है और जो वॉशर मैन है वो जब डोंकी लाता है अपने साथ गधा लाता है किस लिए लाता है वो कपड़े गंदे कपड़े ले जाने के लिए तो वहाँ पे भी ये जब ये पापा को कहता है तो ये समझती कि पापा आ इसे कभी कभी हम लोग कहते नहीं आ रहा है पापा आ रहा है तो उस टाइम पे भी ये समझ लेती है कि पापा पास में ही है और इसी तरह ये अपनी इंसिस्ट करता है उसे कि वो उसे दादा कहे बस ये स्टोरी इतनी है योर बेबी वांट्स टू कैच द मून और आपका जो बेबी अपनी मम्मी से वो कह रहा है ना लड़का कि आपका जो भी बेबी यानी कि वो लड़की है वो मून को पकड़ना चाहती है सी इज़ रियली फ़नी वो सच में फ़नी है सिली है और चाइल्ड है क्वेश्चन आंसर व्हाट डज द बेबी डू विद द पेबल्स क्या करती है पेबल्स के साथ तो बेबी क्या करती है उसको खाना समझ के खाने लगती है मुंह में डाल लेती है व्हाट डज द बेबी डू विद द बुक बुक के साथ क्या करती है बुक को फाड़ देती है व्हेन डज द बेबी लाफ बेबी कब हंसता है या वो लड़की कब हंसती है तो जब उसके उसका भाई उसे डांटता है स्कोल्ड मतलब ब्रदर स्कोल्ड स्कोल्ड हर वाई डज द वॉशर मैन ब्रिंग डंकी डंकी को क्यों लाया है वो क्यों ताकि वो गंदे कपड़े उसकी पीठ पे ले जा सके बस अब नेक्स्ट जो पोएम है उस पोएम का नाम है डोंट टेल यहाँ पे होता है कि क्या है कि एक छोटा सा बच्चा होता है जिस जो कि कह रहा होता है मतलब कंप्लेन कर रहा होता है दे आर लॉट ऑफ थिंग्स ऐसे हिंदी में भी एक पोएम थी दे आर लॉट ऑफ थिंग्स दे वॉन्ट लेट मी डू सो द नेक्स्ट यूनिट इज डोंट टेल डोंट टेल इसमें एक पोएम है जिसमें जिसमें आपको दिख रहा होगा एक लड़का है वो कहता है कि इन लोगों को लगता है कि मैं बड़ा नहीं हूँ ठीक है इन लोगों का मतलब होता है कि दैम की बात कर रहा है इसका मतलब तो पेरेंट्स के लिए वो कह रहा है लेकिन आखिरी में एक लाइन आती है जिसमें वो कहता है कि एक्चुअली मैं बहुत अंदर से बहुत बड़ा हूँ जी आंटू देखिए बड़ा सा दिख रहा है ना अंदर अपने आप को बड़ा समझ रहा होता है बस यही है कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दे वॉन्ट लेट मी डू वो मुझे इसलिए नहीं कर क्या करने देते हैं क्योंकि मैं बड़ा नहीं हूँ उन्हें ऐसा लगता है तो बस यही पोयम है डोंट टेल लेकिन कहना नहीं उनसे कि मैं अंदर से बहुत बड़ा हूँ बस क्वेश्चन देखते हैं हाउ हाउ ओल्ड इज द स्पीकर स्पीकर कितना बड़ा है तो स्पीकर अभी छोटा ही है यंग है वो ठीक है तो स्पीकर इज यंग हुर दे एंड देम इन द पोएम दे और देम कौन है दे एंड देम आर पेरेंट्स वट इज़ द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग कौन सा सीक्रेट है जो स्पीकर छुपा रहा है कि वो अंदर से कैसा है जी आंट है जी आंट मतलब बड़ा सा है अब नेक्स्ट स्टोरी है जिसमें स्टोरी uh, का शीर्षक है ही इज़ माई ब्रदर वह मेरा भाई है तो यहाँ पे होता है कि एक समय uh, एक छोटी सी हिल होती है जिसपे लोग जाते हैं और होली प्लेस वहाँ क्योंकि एक पवित्र स्थान होता है वहाँ पे वो लोग ट्रैवल करते हैं यहाँ पे एक लड़की होती है वो अपनी पीठ पे uh, अपने भाई को बैठा के ले जा रही होती है तो मीना खुद कितने साल की होती है बारह साल की होती है और कैरिंग अ स्मॉल बॉय ऑन हर नेक ही वॉज जो उसका भाई होता है वो चार साल का होता है और ये सब एक बूढ़ा व्यक्ति आपको दिख रहा है ना ये देख रहा होता है तो ये कहता है कि वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक क्यों तुम उस लड़के को अपनी पीठ पे लिए हुए हो तो मीना कहती है कि ये लोड नहीं है ये मेरा भाई है और ये शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम एक मिनट हाँ वो कहती है ये मेरा भाई है क्योंकि वो चल नहीं सकता है इसीलिए मैं उसे लेकर के जा रही हूँ यही बस इतनी सी स्टोरी है यहाँ पे क्वेश्चन uh, है कि वेयर वर द पीपल गोइंग लोग कहाँ जा रहे थे लोग होली प्लेस पे जा रहे थे व्हाट डिड द मैन से टू मीना मैन क्या कहता है मीना से मैन कहता है कि तुम क्यों इतना भारी सामान लिए हुई हो या फिर उस बच्चे को क्यों लेकर के अपनी पीठ पे जा रही हो कि तो वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर आपको क्यों लगता है कि मीना अपने भाई को ले जा रही होगी क्योंकि वो चल नहीं सकता है इसीलिए वो ले जा रही होगी भाई छोटा है ना इसी वजह से तो अब ये लास्ट पोयम है बस कि हाउ हाउ क्रिएचर मूव तो यहाँ बता रहा है कि लॉयन वॉक ऑन द पैडेड पॉस द स्क्वायरल लीप इन टू द लाइम टू लाइम और लिम टू लिम वाइल्ड फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम यानी सबका बता रहा है कि सब क्या कर सकते हैं लेकिन ऐसी कोई पोयम अगर चार लाइन की आती है तो उस पोयम का नाम याद रखिएगा हाउ क्रिएचर मूव अब यहाँ पे आखिरी है कि लेकिन लेकिन लड़के और लड़कियाँ क्या करते हैं लड़के और लड़कियाँ लीप दे लीप डांस एंड वॉक एंड रन बस इतना चीज़ याद रखनी है और क्वेश्चन आंसर पर आ जाता लिस्ट ऑल द एक्शन वर्ड इन द पोएम कौन कौन से एक्शन कर रहे हैं और व्हाई डू बॉयज एंड द गर्ल्स हैव मोस्ट फन बॉयज और गर्ल्स को ज़्यादा फन क्यों महसूस हो रहा है या वो ज़्यादा मस्ती क्यों कर रहे हैं बिकॉज दे लीप डांस एंड वॉक एंड रन बस इतनी आंसर है इसका दे लीप डांस एंड वॉक एंड रन अब नेक्स्ट ये लास्ट स्टोरी है इस पूरी क्लास थर्ड की द शिप ऑफ अ डेजर्ट ऑफ़ द डिजर्ट तो लॉइन होता है वो रोर करता है और फिर कहता है हु आर यू तो कैमल कहता है आई एम द शिप ऑफ द डिजर्ट डोंट यू नो मी आई एम द किंग ऑफ़ द फॉरेस्ट और लॉइन कहता है कि मैं तो किंग हूँ तो कैमल कहता है आर यू ओ आई सी लॉयन यू कॉल योर शेप द शिप ऑफ डेजर्ट हाउ कैन यू बी अ शिप कैसे तुम शिप हो सकते हो एनिमल से पूछता है तो so, फिर ये बताता है क्योंकि मैं चल सकता हूँ वहाँ पे रेगिस्तान में इसी वजह से मुझे शिप कहा जा सकता है मैं लंबी दूरी तय कर सकता हूँ और इसकी हम्प होती है आपको पता ही होगा इसकी जो ये जो हम्प होता है ना इसी में इसका खाना स्टोर होता है वो कितने हफ्तों तक दो हफ्तों तक ही अपना खाना स्टोर कर सकता है यहां पे यही बताया गया है ये देखिए बताया गया पच्चीस किलोमीटर एक घंटे में चल सकता है कैमल ठीक और बस ऐसे एस ही रफली ये दो सौ येस आई कैन देर आर नो रिवर वहाँ रि वहाँ पर कोई पानी नहीं होता तो आई कैन ड्रिंक दो सौ बॉटल ऑफ वाटर एट अ टाइम एक समय में दो सौ बॉटल पानी पी सकता है ठीक है अब क्वेश्चन आंसर पर हम देखते हैं इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है क्या खाता है तो ये जो थॉर्नी ब्रस ब्रशिश होता है जो कटीली झाड़िया होता है वो खाता है ये क्वेश्चन आंसर देखते हैं वाई इज द कैमल्स कॉड द शिप ऑफ डेजर्ट कैमल को क्यों कहा जाता है बिकॉज इट कैन ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑन द डेजर्ट डेजर्ट पर लंबी दूरी तय कर सकता है इसी वजह से उसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वीक्स कैन कैमल स्टोर फूड इन इट्स हंप दो हफ्तों तक टू वीक्स फॉर फॉर मोर देन टू वीक्स इट कैन स्टोर द फूड इन इट्स हंप वॉट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट डेजर्ट में क्या खाता है तो बता आ, मैंने अभी बताया थॉर्नी बुशिश ठीक बस हो गया तो यहाँ से ये तो टिक द करेक्ट पता ही है शिप ऑफ द डिजर्ट कौन है कैमल है किंग ऑफ द फॉरेस्ट कौन है लॉइन है द तो फ़ीट कैसे होते हैं फ़ीट इसके थिक होते हैं और फ्लैट होते हैं सॉरी पैडेड होते हैं और थिक होते हैं दे आर आर नो रिवर ऑन इन द लेक्स कहाँ पर रिवर नहीं होती है डिजर्ट भी नहीं होती एट अ टाइम ड्रा कैमल uh, कितना पानी पी सकता है तो मैंने अभी बताया सौ बॉटल ऑफ पानी एक टाइम में पी सकता है कैमल स्टोर इज फूड कहाँ पर इसका खाना स्टोर होता है तो उसका खाना हम्प में स्टोर होता है बस हो गया यहाँ पे आपके सारे चैप्टर की समरी ख़त्म हो गई है और ये क्लास थर्ड हो गई है और हो सकेगा टाइम मिलता है तो मैं क्लास सेकंड और फर्स्ट की भी बना पाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत मतलब कम मिल पा रहा है और इस बेटाग्रॉजी की वीडियो जा, डालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग